सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग गंगा सागर की ओर बढ़ ही रहे हैं बोट राइड में। बोट राइड के लिए सिंगल पर्सन के लिए 9 रुपीस पड़ता है और 1 घंटा पहुंचने में लगता है। ये देखिए, आर्मी वाले भी हमें हाई कर रहे हैं और वीडियो ले रहे हैं हमारा। संक्रांति के टाइम लाखों में लोग जाते हैं और वहाँ के जो साधु लोग वहाँ पे आते हैं उन लोगों से ही स्पेशली मिलने आते हैं सब लोग। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि हरियाणा, बिहार, बहुत साइड से लोग यहाँ पे आते हैं यात्रा करने के लिए। गंगा और सागर का मिलन सब लोग देखने आते हैं, ये बोट राइड एंजॉय करते हैं। और मेनली सब लोग वहाँ साधु और सन्यासी का आशीर्वाद भी लेते हैं। कहा जाता है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। भारत के तीर्थों में महातीर्थ है। इसी स्थान पर गंगा जी सागर से मिलती है। कहा जाता है कि राजा सागर के 7,000 पुत्रों का यहीं पे मोक्ष प्राप्ति हुआ था। मकर संक्रांति में बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए आते हैं। भारत की नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी कहा जाता है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आती है। गंगा का यहाँ सागर से मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहा जाता है। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया भर के लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर सागर में स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पे सभी श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति से पूजा पाठ करते हैं। गंगा सागर के संगम में लाखों श्रद्धालु मकर संक्रांति के टाइम आते हैं स्नान करने और पूजा पाठ करने। गंगा सागर भारत के तीर्थों में महत्वपूर्ण है। डेकोरेशन वगैरह करवा के रखे हैं क्योंकि मेला कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से आप लोग टोटो, बस या फिर मैजिक कार भी जाएंगे मंदिर के बाहर तक जाने के लिए। हम लोग को भी मिल चुका है, हम लोग अभी राइड एंजॉय करते करते जा रहे हैं। 30 to 40 minutes लगता है मंदिर के बाहर जाने में। जा रहे हैं कपिल मुनि के आश्रम के वहाँ पे। सो पैदल हम लोग को आसपास देखते देखते हम लोग जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है आसपास।
डूब रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। नीट एंड क्लीन रास्ते हैं, वहीं से हम चल के जा रहे हैं नज़ारे को एंजॉय करते करते। देख रहे हैं छोटे छोटे जगह बना के रखे हैं बाबा जी लोगों के लिए, जहाँ पे ये लोग बैठते हैं। ये रहा कपिल मुनि का आश्रम या फिर मंदिर, आप कुछ भी कह सकते हैं। ये कपिल मुनि का मंदिर है। यहाँ पे सब साधु संत लोग बैठते हैं और आशीर्वाद देते हैं आप लोगों को मंदिर के बाहर। बाहर भी आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे साधु संत। सो हम लोग अभी जा रहे हैं रहने की जगह पे, मतलब रहने की जगह ढूंढने के लिए। आप लोगों को रहने की जगह होटल या फिर कोई आश्रम मिल जाएगा रहने के लिए। बहुत सारी जगह है रहने के लिए। तो हम लोग एक आश्रम में आए हैं रहने के लिए। सो ये अंदर का नजारा है, आश्रम के अंदर का नजारा। इस आश्रम का नाम है भारत सेवा आश्रम। आप लोग यहाँ पे भी रह सकते हैं फैमिली के साथ। बड़े बड़े कमरे हैं इनके। सो 5 to 6 आदमी एक कमरे में हो जाएंगे। हम लोग 6 पर्सन तो हम लोगों का एक ही रूम में हो गया था। आधार कार्ड कैरी करना मस्ट है, क्योंकि वो लोग उसी बेसिस पे आप लोगों को रूम देते हैं, नहीं तो वो लोग नहीं देंगे। सो हम लोग का हो गया सब कुछ, इसलिए हम लोग ऊपर जा रहे हैं रूम देखने के लिए। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में गंगा सागर में हम लोगों ने कैसे स्नान किया।